हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। दोस्तों, वीडियो पूरा, इस पर कुछ बात करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस क्लास ट्वेल्थ यानी सीबीएसई बोर्ड में क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स में सिलेबस किस तरह का है, आज हम उस पर बात करते हैं। पेपर का टाइम आ गया है, एक मतलब आज से लगभग आफ्टर वन मंथ आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यूनिट और वेटेज, यूनिट वाइज वेटेज। तो जो पहला यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, तो इस रिलेशन एंड फंक्शन में आपके दो चैप्टर हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें जो आप केवल दो चैप्टर हैं वो चैप्टर नंबर में यहाँ लिखे दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड दो चैप्टर हैं। उन दोनों चैप्टर से कुल मिला के वेटेज कितना हमारे पास 8 मार्क्स का है। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज कोई वेटेज नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते नहीं सर फर्स्ट चैप्टर से 6 मार्क आएगा या सेकंड से 2 का आएगा, ऐसा नहीं है। या ये भी कहें आपकी इन दोनों से 4 मार्क्स का आएगा, ऐसा कोई वेटेज नहीं है चैप्टर वाइज, बस यूनिट वाइज वेटेज है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है ये एलजेब्रा, एलजेब्रा में भी आपके दो चैप्टर हैं, वो कौन कौन से हैं, थर्ड और फोर्थ दो चैप्टर आपके किसमें हैं, एलजेब्रा में। और एलजेब्रा से कितना वेटेज है आपका 10 मार्क्स, यानी कि चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों को मिला के कहीं से भी कितना भी पूछा जाएगा तो टोटल वेटेज कितना मिलेगा आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कैलकुलस की, तो कैलकुलस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें आपके 5 चैप्टर आते हैं, कौन कौन से, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 चैप्टर इसमें आते हैं। और इन 5 चैप्टर से कुल मिला के वेटेज कितना है 35 मार्क्स का है। हम इसको आगे बताने से पहले कुछ लास्ट ईयर जो पेपर का पैटर्न था उस पर भी बात कर लेते हैं। अभी तक जो पेपर का पैटर्न आता था वो केवल आपका पेपर जो होता था वो 100 मार्क्स का होता था, एक ही पेपर होता था 100 मार्क्स का। तब आपका जब 100 मार्क्स का पेपर था तो कैलकुलस का वेटेज आपका 44 मार्क्स था। अब पेपर में यहाँ पे सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है, पैटर्न चेंज ये किया कि पेपर कर दिया 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स लगा दिए आपको इंटरनल असेसमेंट में, तो इंटरनल असेसमेंट वो आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो 80 मार्क्स जब किया तो यहाँ पे जो 44 का वेटेज लेके चल रहे थे कैलकुलस का, वो आप कितने का कर दिया इन्होंने 35 मार्क्स का कर दिया। तो इन 35 मार्क्स में आपके पास 5 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिबिलिटी, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन 5ों चैप्टर से मिला करके कुल आपका 35 मार्क्स का कैलकुलस आएगा। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों अप्रोक्सीमेट, तो लगभग 45% आपका वेटेज है पूरा किससे, कैलकुलस यूनिट से। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपको कैलकुलस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और कैलकुलस में स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आपको चैप्टर नंबर 7 अच्छे से आता है तो चैप्टर नंबर 8 और 9 ये दोनों अच्छे से हो जाएंगे, यानी कि 8 और 9 को समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद हों। इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो 8 और 9 चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन अगर आसान से कर लेते हैं तो 5, 6 कवर कर पाएंगे आप। अब इसके बाद करते हैं यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या आता है, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं, 10 और 11। तो इन दोनों चैप्टर से वेटेज आपका कितना है, 14 मार्क्स का है, वेक्टर से और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से। तो इसमें जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेक्टर से आपका 14 मार्क्स का वेटेज है, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से आप ये समझिए कि 6 नंबर का क्वेश्चन कहाँ नहीं आना है, 3D का एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है चैप्टर नंबर 6 से, मैक्सिमम मिनिमा का 6 नंबर जो क्वेश्चन मिलेगा कैलकुलस में चैप्टर नंबर 6 से मैक्सिमम मिनिमा का 6 नंबर क्वेश्चन मिल सकता है। उसके इंटरनल चॉइस हो सकती है चैप्टर नंबर 9 से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर का आप इसमें मान लीजिए, बाकी और आपके जो 1, 2 नंबर के क्वेश्चन अलग रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जब पहले पेपर 100 नंबर का होता था तो इसमें इसका जो वेटेज था वो 6 मार्क्स था, और 6 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन 100% कंपल्सरी LPP का पूछा जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब पेपर रह गया 80 मार्क्स का तो इसका वेटेज कर दिया 5। अब 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन तो है नहीं आपके पेपर में, क्वेश्चन रहे 4 का और 1 का, तो ये 4+1 के फॉर्म रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा और एक नंबर में आएगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से आपका प्रोबेबिलिटी में भी एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो इसमें भी कितना वेटेज है आपका 8 नंबर का, 8 मार्क्स का वेटेज है। प्रोबेबिलिटी में क्या किया कि इस बार सिलेबस भी थोड़ा कम किया है, जो आपका एक्सरसाइज 5 है, 13.5 एक्सरसाइज है, उसमें आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली ट्रायल्स
वो हटा दिया गया, तो चार एक्सरसाइज में से आपको 8 मार्क्स का पूछा जाना है। तो इस तरह से ओवरऑल आपका जो हो गया टोटल 80, 20 मार्क्स इंटरनल आएगा, तो इस तरह से दोस्तों आपको 100 मार्क्स में हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपके लिए देखिएगा कि यूनिट वाइज वेटेज है, चैप्टर वाइज कहीं कोई वेटेज दिया नहीं है, तो आप चैप्टर वाइज वेटेज के इंतजार में मत रहिएगा, आपको यूनिट वाइज तैयारी करना है। अगर आप कैलकुलस पूरा तैयार कर लेते हैं, वेक्टर थ्री तैयार कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी तैयार कर लेते हैं, तो आप अगर ये तीन यूनिट आपने तीन चार यूनिट तैयार कर लिए इधर, तो आप अच्छा खासा कवर हो जाएगा पेपर। फिर आपका केवल कितना रह जाएगा, 18 मार्क्स का रह जाएगा जो ऊपर के चार चैप्टर में छूटेगा। तो वो भी आप कोशिश करिएगा पूरा 100% कवर करके जाएं पूरे 80 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेपर की डिजाइन भी आपको बता दें कि पेपर की डिजाइन किस तरह से होती है, कितना इंटरनल चॉइस होता है, कितना वेटेज होता है।